अरे अहमद साहब, आप जेल से कब रिहा हुए भाई? हिसार ने बताया ही नहीं। हाँ, इसी हफ्ते। आप सुनाए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और उसकी एक वजह है, मैं बहुत सुकून से रहने वाला इंसान हूँ। मैं बिला वजह किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाता। सामने वाले का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, आपकी खामखा में बदनामी हो जाती है। एनीवेज, वो आपकी हमशीरा का क्या बना? मीडिया वालों ने काफी उछाला है इस मामले को। मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त अपने किसी जरूरी काम से जा रहे थे, तो मेरी भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 10 o'clock। लोगों की बातों को छोड़ दें, इनका तो काम यही है, दफा करें। क्या दफा करूंगा साहब? जो लोग कभी कभी शक्ल दिखाते थे, अब ऐसे मिलने आ रहे हैं जैसे उनकी जिंदगी का असल मकसद मेरी रिहाई से ही जुड़ा हुआ है। सब क्या बकवास है सर? इतनी ज्यादा पेमेंट्स तुमने कहां की हुई है? फैक्ट्री में तो इतना माल भी मौजूद नहीं है। भाई, आप जानते हैं कि हमारे यहां पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट्स किए मैंने। ये तुमने इतनी ज्यादा एडवांस पेमेंट्स कहां की हुई है? यानी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, बैंक अकाउंट खाली हुआ हुआ है, एक साल में तुमने क्या किया है? क्या मतलब मैंने क्या किया है? आपके सामने है जो मैंने कुछ किया है। आपका केस संभाला है, घर संभाला है, इनाया के तमाशे बर्दाश्त किए, और क्या करता मैं? और इस सब में तुमने अपना बिजनेस तबाह कर दिया, ऐसा है? कल अपने तमाम वर्कर्स की मीटिंग रखो। फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे लोग, मैनेजर, सेक्रेटरी, सब लोग यहां होने चाहिए। भाई, अब हमारे पास इतने एम्प्लॉयज नहीं रहे। अगर आप चाहते हैं तो दो चार लोग हैं, उनसे आपकी मीटिंग करवा देता हूं। क्या कर? दो चार लोग? भाई, आपने महंगाई देखी? हमारे एम्प्लॉयज की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी और मैं क्या करता? और वैसे ही आप जानते हैं, मुझे ये काम शाम नहीं होते। उसके बावजूद मैंने सब कुछ अकेले संभाला। हाँ, तुमसे कत्ल होता था जो तुमने भरे मजमे में कर दिया। तो आपको लगता है कि मैं भी गलत था? हाँ, तुम गलत थे, तुमने गलत किया है सर। तुम्हारे गुस्से की वजह से मामला इतना बिगड़ा। जासिम का खून हमें कहीं सड़क पर ना ले आए सर। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बैंक से मैंने कितना कर्जा लिया हुआ है। ये कर्जा मैं कैसे अदा करूंगा? ये सब कैसे ठीक होगा, बोलो? हाँ, भाई देखे, अम्मी और भाभी का जेवर है, हमारा घर है। गेट आउट। क्या कहा आपने?
आई सेड गेट आउट, कम आउट यहां से हरामखोर।